नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन आज इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सो फाइनली इसरो ने अपना सोलर मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसरो को एक्सपर्ट देने के लिए बनाने वाला हूँ अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर आदित्य L1 को। सो सबसे पहले हम लोग को चाहिएगा बहुत सारा कॉन्क्रीट एंड यहाँ पर तुम लोग कुछ सामान देख पा रहे हो। इससे पहले मैं कुछ और बिल्ड बना था बट उसको मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी एंड उसको बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर से हम लोग शेल्कर बॉक्स लेते हैं एंड शेल्कर बॉक्स को सबसे पहले को खाली करना है क्योंकि ये सारे शेल्कर बॉक्स मेरे भरे हुए हैं। सो फिलहाल मैंने शेल्कर बॉक्स खाली करने का काम कंप्लीट कर दिया एंड अभी मैं सारे शेल्कर बॉक्स लेकर जा रहा हूँ अपने ड्यूपर पर क्योंकि यार तुम लोगों को तो पता ही होगा वहां पर हम लोग का मस्त कॉन्क्रीट फार्म है, वहां से हम लोग कॉन्क्रीट ड्यूब कर सकते हैं। एंड मैं ये आ चुका हूं यहां पर एंड मेरे को चलने की आवाज आ रही। भाई ये चल कैसे रहा है यहां पर? देखो भाई मतलब कुछ ना कुछ तो अभी गड़बड़ी होने वाली। देखना ये तो ढंग से बंद हो गया, इसको क्या हो रहा है? एंड देखो मैंने कुछ ना कुछ तो बोला था कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, इसको रिपेयर करते हैं। भाई ये रोज का काम हो गया मेरा। ओके सो मैं एंड में आ चुका हूं। वैसे मेरे पास व्हाइट कॉन्क्रीट का तो बहुत सारा मेरे पास पड़ा होगा क्योंकि यहां पर मेरे पास बहुत सारा रहता है तो मेरे को खाली नॉर्मल थोड़े बहुत डिफरेंट कॉन्क्रीट चाहिए सो उनको ड्यूब करना पड़ेगा मेरे को। ओके सो अभी मेरे को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में व्हाइट कॉन्क्रीट चाहिए तो मैं उनको लेकर आ चुका हूँ। बट जो दूसरे वाले कॉन्क्रीट थे वो मैं साथ में लेकर नहीं गया था ड्यूब करने के लिए, सो मैं वो लेने के लिए आया हूँ। वो हम लोगों को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए बट ड्यूब करना ही पड़ेगा, इतने कम भी नहीं चाहिए। सो यहाँ से मैं दूसरे डिफरेंट करके उठा लेता हूँ एंड देन दोबारा चलते हैं एंड में। ओके सो मेरे ब्लैक कॉन्क्रीट काम तो यहीं हो गया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ये बने हुए पड़े थे तो इनको हम लोग को ड्यूप नहीं करना पड़ेगा, काम कम हुआ। सो अभी हम लोग को चाहिए बहुत सारे ग्रे कॉन्क्रीट एंड कुछ रेड कॉन्क्रीट जिनको मैं ड्यूप करने के लिए आ चुका हूँ एंड यहाँ पर एफ के रहते हैं, जल्दी से इसको ड्यूप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कॉन्क्रीट ड्यूप होकर आ चुके हैं एंड अभी इन कॉन्क्रीट पाउडर को मेरे को कन्वर्ट करना है कॉन्क्रीट के अंदर। सो या लेट्स डू इट। ओके सो नाउ अभी मेन टास्क आता है अपनी पूरी बिल्ड को बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने का जो कि यार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए जैसे हम लोग सारे जगह से हमारे वर्ल्ड के अंदर वो पूरा का पूरा रॉकेट दिख जाए। सो मैं ढूंढता हूँ एक बड़ी सी जगह। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने रॉकेट को कुछ इस जगह बनाने वाला हूँ इस रिवर के साइड में क्योंकि यहाँ पर अच्छी जगह खाली है एंड यहाँ से हमारे वर्ल्ड के सेंटर से ये रॉकेट पूरा का पूरा एकदम सही से दिख भी जाएगा। सो मैं यहीं पर इसको बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बनाना है इसका बहुत बड़ा बेस जिसके ऊपर हम पूरा रॉकेट बनाएंगे। सो इतना बड़ा कुछ बेस होगा इसका तो मेरे को इसको अच्छे से एडजस्ट करना है कि लाइक ये थोड़ा बहुत मर्ज दिखे जमीन के अंदर। सो इसको मैं सही से एक बार सेट कर देता हूँ। ओके सो अभी एकदम सही से सेट कर दिया है एंड सारे के सारे आइटम में मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए जितने भी हम लोग कॉन्क्रीट चाहिए एंड मेरे ख्याल से ना कम पड़ जाएगा क्योंकि कभी कभी लाइट मेरे काम में चीज़ें कम पड़ जाती है। सो अगर जो भी कॉन्क्रीट हम लोग कम पड़ेंगे वो हम लोग बाद में कलेक्ट कर लेंगे, फिलहाल बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। ओके सो ये पूरा का पूरा बेस बनकर जो रेडी हो चुका है एंड अभी मेन बारी आती है अपने पूरे के पूरे रॉकेट को बनाएंगी एंड ये लिटरली अपना जो एफिल टावर है ना लगभग उसकी हाइट का होने वाला है तो तुम लोग इमेजिन कर लो यार कितना ज़्यादा बड़ा होगा। एंड हाँ द मेन थिंग कि इस पूरे के पूरे रॉकेट को मैंने डिज़ाइन करा एक क्रिएटिव वर्ल्ड में देन फिर मैंने उसका लाइट मेकअप बनाया। सो यहाँ पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन करा था इसको बैठ कर 1-2 घंटे। सो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा टाइम गया था ताकि हम लोगों को अपने वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने इसका स्कैमेटिक पूरा का पूरा बनाकर रेडी कर लिया है। एंड मैं फाइनली ना तुम लोग को वीडियो में एंड में बताऊँगा पूरा बनाने के बाद क्योंकि फिर तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। सो या डायरेक्ट बिल्ड स्टार्ट करते हैं इसके भी। सो यहाँ पर अभी मैंने इतना इसको बना दिया है एंड अभी लिटरली हाफ पार्ट भी नहीं है, हाफ पार्ट से भी ज़्यादा पार्ट अभी मेरे को बनाना है। बट अभी मैं तुम लोग एक चीज़ बताऊँ, बहुत गंदा वाला सीन हुआ है मेरे साथ। लिटरली मेरे घर की लाइट चली गई थी सो उसकी वजह से मेरा PC बंद हुआ एंड जब मैंने दोबारा से PC ऑन किया अपना गेम ऑन किया तो मेरा हार्डकोर वर्ल्ड करप्ट हो चुका था एंड मैंने जैसे तैसे अपने वर्ल्ड को दोबारा से रिकवर किया एंड उसकी वजह से मेरे रिप्लाई मोड्स की जो फाइल थी वो भी सेव नहीं हुई थी। बट यहाँ अभी सब कुछ ठीक हो चुका है बट एक दिक्कत हो चुकी है, मेरे वर्ल्ड की सारी एडवांसमेंट उड़ चुकी है
मेरे को अपनी एडवांसमेंट को फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा, बट यार कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे। द मेन थिंग कि मेरा वर्ल्ड दोबारा से आ चुका है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। एंड हियर वी गो, जो हमारा रॉकेट का मेन पार्ट था वो एकदम बन चुका है। अभी मेरे को दूसरा काम भी करना है, बट यहाँ पर एक दिक्कत हो चुकी है, मेरे स्केमेटिक में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई। यहाँ पर इंडिया जो है उल्टा उल्टा लिखा गया है, तो इसको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये पूरा कवर सही कर दिया है, एंड अभी एकदम बढ़िया लग रहा है। ऊपर मैंने जो है फ्लैग बनाया इंडिया का, तो तुम लोग देख सकते हो छोटा सा पर मैंने फ्लैग बना दिया है, जो कि रियल में इसमें रॉकेट में था भी। सो ये एकदम बढ़िया लग रहा है। बट अभी ना इसके नीचे ना चार छोटे छोटे और रॉकेट्स मेरे को बिल्ड करने हैं, जो कि उसके अंदर थे। सो वो मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से तुम लोग देख लो, लगभग हमारे एफिल टावर की हाइट तक वो पहुँच रहा है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। रुको, ये देखो, मतलब लगभग इतना हाइट का हो ही रहा है, थोड़ा सा नीचे लगभग पहुँच ही आ जाए, क्योंकि वो ऊपर माउंटेन पर बना हुआ है, उसी लेवल पर बना था, तो मे बी वो टच कर जाता उससे। तो ये रहे हमारी स्कैमेटिक्स के ने स्कैनिक बना दिया है, एंड अभी खाली इसको बिल्ड करना है, एंड उसके बाद फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी और डिटेल करूंगा लास्ट में, जैसा कि मैंने सोच रखा है, एंड लेट्स सी वो कर पाते हैं नहीं, एंड लेट्स बिगिन। और गाइज, हमारा पूरा का पूरा आदित्य L1 यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। देखो यार कितना ज़्यादा सही लग रहा है। नीचे मैंने सारे रॉकेट बना दिया, एंड अभी मेरे को खाली यहाँ पर जो आयरन बार्स लगाने, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उसकी डिटेल आ जाएगी। बाकी तुम लोग कमेंट बताओ ये कैसा लग रहा है, एंड इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल चीज़ें तो थी नहीं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन गया है, साफ साफ बता रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्कीमेटिक पहले ऑलरेडी बनाया था, उसमें टाइम लगा था, बट हाँ अभी एकदम अच्छे से बन चुका है। थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो वैसा ही लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत देखने में वो वैसा ही लग रहा है। बाकी तुम लोग कमेंट बता सकते हो कि ये कैसा लग रहा है। एंड अभी इसलिए मेरे को यहाँ पर लगाने आयरन बार, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, एंड थोड़ा बहुत अच्छा सा लगेगा। लाइक यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, सो उस टाइप से मेरे को यहाँ पर लुक चाहिए। सो इसको यहाँ पर ला के देखते हैं। ओके, सो ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है, बट हाँ पहले से ठीक ही लग रहा है। एंड अभी इसके अंदर ज़्यादा कुछ और बनाने लायक तो मेरे को लग नहीं रहा है, तो मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ। एंड पूरी की पूरी बिल्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर एक और नई बिल्ड आ चुकी है। एंड इसकी एक लुक तुम लोग जो शेडर के साथ भी देख लो कि ये शेडर के साथ कितना मस्त लग रहा है। वैसे शेडर के साथ हम लोग का वर्ल्ड एकदम खतरनाक लगता है, पूरी लुक ही डिफरेंट आ जाती है, बट हाँ अभी हमारा आदित्य L1 दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। सो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।